हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आज मैं तीन फ़ोनों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, रियलमी 7, 7 प्रो और पोको एक्स टू। जैसे कि आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं, 5000 mAh बैटरी, 45 mAh और 4500 mAh, ये तीनों फ़ोनों में ऐसी बैटरीज मिलती हैं। और प्रोसेसर की बात कर लें तो हीलो G95, 720G और 730G, और इसमें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 12 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर। और यहाँ है डिस्प्ले 6.5 इंचेस की और 90Hz की डिस्प्ले है। और क्योंकि ये प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसमें 120Hz नहीं है, तो कंपनी तो दिखाने के लिए कुछ भी कर देती है। और इसमें अगर बात की जाए तो एमोलेड है और ये 60Hz की डिस्प्ले है और नॉर्मल डिस्प्ले है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें इंक्लूडेड है और उसमें गोरिल्ला ग्लास 3 दे रखा है पहले वाले में, दूसरा में गोरिल्ला ग्लास वही फ्रंट में, बैक में तो वो भी कुछ नहीं है, बट इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 दिख रहा है फ्रंट एंड बैक में, ये इसकी अच्छी बात है। और कैमरे के सोने सेंसर्स की बात की जाए तो 682 है इसमें, और इसमें भी सेम 682 है, सेम सेंसर दिया कंपनी ने और फ्रंट में बट चेंज कर दिया है, बस मेगापिक्सल का काउंट अलग है। बाकी ये कंपनी सैमसंग के सेंसर देती है, इसमें 32 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का है। मुझे क्लियर नहीं है कि सैमसंग के, बट मेरा मानना यही है। मैंने थोड़ी एक जगह चेक किया तो मुझे यही कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। और चार्जिंग की बात की जाए तो 30W की चार्जिंग इसमें है और 64 डॉट के, बस इस कंपनी ने इसमें हाईलाइट किया सुपर एमोलेड। इसमें सुपर एमोलेड का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, बस कंपनी आपको सिर्फ गेम कर रही है आपके साथ और कुछ नहीं कर रही है। 64 की डार्ट चार्जिंग है, ये सही में ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 30 मिनट में फोन समझ लीजिए फुल चार्ज, आपको कहीं फास्ट जाना हो कहीं नहीं। बट मेरे हिसाब से ना तो जो ये 27 और 30W की चार्जिंग है, मैंने पर्सनली फ़ोन यूज़ कर रखे हैं, ये भी बहुत फास्ट होते हैं। आप अगर कहीं अगर नहाने भी जा रहे हैं तो फोन चार्ज पर लगाएंगे, आप जब तक लौट के आएंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा कि पूरे दिन चल जाता है फोन। और दूसरी बात, लिक्विड कूलिंग कंपनी इसमें दे रखा है कि पोको एक्स टू में कि लिक्विड कूलिंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें डबल डोर भी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको पोको X7 Pro लेने की पड़ी है तो मेरे हिसाब से आप इसका अप एंड मॉडल ले लीजिए, 6128GB वाला, वो ज़्यादा बेटर रहेगा वैल्यू फॉर मनी। 720G और 730G में कुछ खास अंतर नहीं है, एंतुतु बेंचमार्क तक भी सेम है। कंपनी ने बस इसमें नावी डाल दिया है, इंडियन नावी, और कुछ नहीं है उसमें। अगर आपको एमोलेड का ही शौक है और आपको एमोलेड ही पसंद है तो फिर आपका कुछ नहीं कर सकते, आपको ये जाते। और सेंसर की बात की जाए तो इसमें सोनी का सेंसर 6 86 है और इसमें 682 है। इन दोनों फ़ोनों में 682 जो है वो थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर आता है 686, जस्ट एक ही नंबर ऊपर आता है, बट यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है इन सेंसर्स में। और लो लाइट परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इसकी बेटर होगी। बाकी वैसे तो कैमरे की बात की जाए तो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कंपनी की, कि कंपनी कैसी ऑप्टिमाइजेशन कर रही है फ़ोन के ऊपर, यही है मेन कहानी इनकी। और मेरे हिसाब से वैसे अगर आप पोको रियलमी का 7 प्रो लेने की सोच रहे हैं तो आप पोको एक्स टू भी अभी भी कंसिडर कर सकते हैं फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग तो दोनों बैटरी वही कराते हैं, तो इसमें अगर बिल्ड क्वालिटी पर जाना है तो पोको एक्स टू अच्छा है। और अगर बिल्ड क्वालिटी आपको डजन मैटर करती है, न्यू फ़ोन चाहिए आपको तो फिर आप ये भी ले सकते हैं। इस फ़ोन में दो ही चीज़ अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90Hz की देते तो फिर तो एक किलर फोन था। मैं तो कहता 2-3 हज़ार और बढ़ाना चाहिए था, 90Hz की डिस्प्ले देनी चाहिए थी, वो एकदम जहर जहर फोन हो जाता है। ये 64 की डार्ट चार्जिंग है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस फोन में कुछ खास, ऐसा ही फोन है एवरेज। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सेम बस चार्जिंग को छोड़ दिया जाए और डिस्प्ले से आपको इसको ज़्यादा खास मैटर ना पड़ता हो तो आपको हमेशा इस टाइम के लिए तो पोको एक्स टू इज़ द बेस्ट फोन फॉर यू। और लेना है तो ये लीजिए, 17,500 का फ़ोन है, आपके पैसे भी थोड़े बहुत बचेंगे। 20,000 क्यों लोग डालोगे, अपना पैसा ख़राब करोगे फालतू में, क्या मतलब पड़ता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना।